गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सकलेंट को जो प्लांट है उसे लीफ प्रोपागेट कैसे करें, बहुत ही इजी मेथड में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा और आपका कोई भी प्लांट अनसक्सेस नहीं होगा अगर ये वीडियो पूरा देखिएगा तब। हेलो गाइस, मैं हर्षराज और आज मैं आपको जो बताऊंगा सकलेंट के प्लांट को लीफ प्रोपागेशन करने के लिए। तो लीफ प्रोपागेशन करने के लिए पहले आपको लीफ चाहिए होगा। तो ये देखिए, ये सकलेंट है, ये एचिवेरिया का फैमिली से बिलोंग करता है। तो लीफ के लिए जो सबसे नीचे वाला जो लीफ होगा ये देखिए, और ये लीफ है, इसे आप इस तरह से एक बार इधर ट्विस्ट करेंगे और एक बार इधर करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये टूट जाएगा। और टूटेगा तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये रहना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें बीच वाला पोर्शन, ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। तो और भी मैं तोड़ लेता हूँ, नीचे के जितने लीफ है आप तोड़ लीजिए। गाइस, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो नीचे वाले हम सभी लीफ को हटा लेते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास सकलेंट का प्लांट नहीं है, और यदि आपके पास नहीं है, अगर किसी और के पास है, फ्रेंड्स के पास या नेबर्स के पास, तो वहाँ से आप एक लीफ लेके आ सकते हैं। अभी फरवरी का टाइम है, तो अभी बिल्कुल सही टाइम है लीफ प्रोपागेशन के लिए। एक तो बारिश का भी टाइम सही होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा प्लांट जो है लीफ अनसक्सेस हो जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम में ज़्यादा बारिश के कारण लीफ रोटेन हो जाते हैं। अभी बिल्कुल सही टेम्परेचर रहता है, तो अभी रोटेन होने का चांस नहीं होगा। गाइस, ये देखिए, ये मैंने इतना सारा लीफ को तोड़ा अभी, और इसे जो है एक दिन के लिए शेड में रख देंगे, एक दिन के लिए इसे शेड में रख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से मैं प्रोपागेट करूँगा। तो ऐसे मैं रखा हुआ था पहले से भी, ये देखिए, ये सब मैंने एक दिन पहले ही, एक 2 दिन हो चुका है इसे रखे, 2 दिन तक भी छोड़ सकते हैं, 1 दिन काफ़ी है। लेकिन ये देखिए, और इसमें से ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें से देखिए यहाँ से छोटा सा बेबी प्लांट भी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए पिंक पिंक यहाँ पे है, शायद आपको दिख रहा हो। तो चलिए अब मैं इसे प्रोपागेट करने के लिए बताता हूँ। गाइस, मैं जो लीफ प्रोपागेट कर रहा हूँ ये देखिए, प्रो ट्रे में, सीडलिंग ट्रे, और इसका जो सॉइल मिक्स है ये कोकोपीट है, ये बिल्कुल कोकोपीट है। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप सैंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कोकोपीट ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होल्ड रहता है, तो जल्दी आपका लीफ प्रोपागेट हो जाएगा, लीफ से प्लांट प्रोपागेट हो जाएगा, प्लांट जल्दी निकल जाएगा। और इस तरह से आपको बस रखते जाना है, जैसे अभी देख रहे हैं आप, ये रहा लीफ, और इस पे बस इस तरह से इसके ऊपर रख देना है, बस ये हो गया काम। अगर आपके पास प्रो ट्रे नहीं है तो आप इस तरह से देखिए गाइस, इधर इस तरह से प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लीजिए, और उसमें जो है नीचे से ड्रेनेज होल बना लीजिएगा, ये मैं आपको बस ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ। और इस पे फिर आप इस तरह से लीफ को रख दीजिए, इस तरह से जैसे आपको रखना है उस तरह से रख दीजिए, और इस पे एक बार पानी से स्प्रे कर दीजिए, और पानी से बिल्कुल स्प्रे हो जाएगा जब ये। उसके बाद फिर आप इसे, अगर आपके पास पॉली हाउस है, देखिए इधर, अगर आपके पास पॉली हाउस है तो आप पॉली हाउस में रखेंगे, और नहीं है, अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो आपके पास इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रख लीजिए, प्लास्टिक से उसे इस तरह से आप ढक लीजिए, ढक कर छोड़ दीजिए 1 वीक तक, इस तरह से ढक के अगर छोड़ दीजिएगा तो इसके अंदर का मॉइस्चर इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और इसमें जल्दी से आपका रूट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रूट 1 वीक में रूट आ जाता है, 1 वीक में रूट आने लगता है, और
देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ, ये देखिए, इसमें देखिए ये नीचे रूट है यहाँ पे, और इसके ऊपर देखिए छोटा सा बेबी प्लांट है। तो ये 2 वीक का है और 1 वीक का भी होगा शायद। ये रहा देखिए गाइस, ये देखिए इसमें इसमें अभी रूट ही है, और देखिए कितना सारा मैंने लीफ प्रोपागेट किया था पहले ही, ये देखिए। और ये इधर देखिए गाइस, इस साइड ये सब जो है गाइस, ये सभी 1 मंथ का है, ये सभी का 1 मंथ हो चुका है। और इसके जो लीफ होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं इसके लीफ ड्राई होकर हट जाते हैं, किसी किसी में ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं, लेकिन बाद में फिर ये ड्राई होकर हट जाते हैं। तो आपको इसे हटाना नहीं है, खुद ये सूख के हट जाता है, ड्राई होकर, बिल्कुल ड्राई होकर हट जाता है। और कोई कोई में प्रॉब्लम आता है क्या, जो लीफ है उसमें से सिर्फ रूट निकलते जाते हैं, रूट निकलते जाते हैं, लेकिन प्लांट्स का कोई नाम ही नहीं रहता उसमें, कोई भी बेबी प्लांट्स निकलते ही नहीं है। तो वैसा लीफ में से बेबी प्लांट निकलेगा ही नहीं कभी, तो उसे आप हटा ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो 10 में से 1-2 ही वैसा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ कुछ में तो गाइस 1 लीफ में से 2 से 3 प्लांट भी निकल जाते हैं। देखिए ये, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए, इसमें 2-3 प्लांट है, और एक यहाँ पे भी है देखिए, ये 1 और ये 2, एक ही लीफ है देखिए। ये सब लेकिन कम होता है चांस, लेकिन निकल जाएंगे, सभी से निकलेंगे। और मैं तो इसे अभी पॉली हाउस के अंदर रख दूंगा, और बस इसका जो सॉइल है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, इसमें हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो इस स्प्रे से ही इसमें आप पानी देंगे, ऐसे जग से या किसी चीज़ से पानी ना दे, नहीं तो आपका लीफ जो है वो हट जाएगा, हटेगा तो उसमें से रूट डेवलप नहीं होगा। इस आप इसे जो है बिल्कुल फुल सन में ना रखें, नहीं तो आपका लीफ जो है ड्राई होने लगेगा और उसमें से रूट डेवलप नहीं होगा। तो आप इसे हमेशा शेड में ही रखें, शेड में ही रखना है आपको इसे, और इसमें टाइमली वाटरिंग करते रहना है। जब ड्राई हो तब, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करना है, ओवर वाटरिंग पे भी आपका लीफ रोटन हो सकता है, तो ओवर वाटरिंग कभी नहीं करिएगा, हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। ये देखिए ये भी अभी मॉइस्ट है, कोकोपीट ज़्यादातर मॉइस्ट होल्ड रखता है, तो कोकोपीट सबसे बेस्ट होता है लीफ प्रोपागेट करने के लिए, आपको सबसे बेस्ट होगा। एक बार पानी दे दीजिएगा तो आपका वो वीकली चलेगा। और अगर आप कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो कंटेनर को आप पैक करके रखिएगा, तो उसमें ऐसे ही मॉइस्ट ही रहेगा, अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो मॉइस्ट रहेगा। तो उसमें भी देख लीजिएगा आप, अगर उसमें आपको दिखेगा सॉइल ड्राई जैसा तो आपको डालना है पानी, नहीं तो नहीं डालना है। और जब इसमें से बेबी प्लांट निकलने लगेंगे इस तरह से, तो आप उसके ऊपर का प्लास्टिक जो है हटा दीजिएगा, और उसे शेड में ही रखना है, लेकिन आपको धूप में नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो भी प्लांट निकला है बेबी प्लांट वो भी नहीं बचेगा। तो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा होगा वीडियो, तो वीडियो को एंड करते हैं। सकलेंट जो है बहुत कॉस्टली प्लांट होता है, तो आप इस मेथड से ग्रो करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं, और फिर आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस मैंने जो देखिए मैंने कितने सारे लीफ को ग्रो किया हुआ हूँ, तो ये जो लीफ है इसे मैंने जो नीचे का जितना भी लीफ होता है उसे मैंने हटा हटा कर ग्रो कर दिया, उसे मैंने फेंका नहीं। तो आप भी फेंकिएगा मत, इसे डायरेक्ट ग्रो कर लीजिएगा। एक लीफ आपका एक प्लांट बना सकता है या 2 प्लांट भी बना सकता है। तो इस आगे से आप फेंकिएगा कभी नहीं लीफ को। ये वीडियो बोनस हो सकता है, जो गिव अवे का जो फर्स्ट प्राइज विनर था। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय फ्रेंड।